गुल्ली और बुल्ली आज अपने दोस्त टिमी के घर पर आए हैं, क्योंकि इनका दोस्त टिमी शहर से बाहर कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में गया है और उसे वापस आने में करीबन हफ्तों भर का समय लग जाएगा। इसलिए उसने अपने घर पर गुल्ली और बुल्ली को बुलाया है ताकि ये लोग उसके घर की रखवाली कर सकें। और अपना डिनर करने के बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों ही सोने की तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद गुल्ली लाइट बंद कर देता है, पर तभी अचानक से रात के सन्नाटे को चीरते हुए नीचे से इन लोगों को ज़ोर से दरवाजे के पीटने की आवाज़ आती है, जिससे ये लोग उठकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये बाहर कौन है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। मानो कि इसे दरवाज़ा तोड़कर ही शांति मिलेगी। गुल्ली, रात के 2 बज रहे हैं और भला इस वक्त बाहर कौन आया होगा? कहीं टिमी वापस तो नहीं ना आ गया? नहीं गुल्ली, ये टिमी नहीं है, क्योंकि अगर ये टिमी होता तो वो डोरबेल बजाता, ना कि ऐसे जोर जोर से दरवाजा पीटता। ये जरूर कोई और है, हमें नीचे चलकर देखना होगा। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली नीचे जाने लगते हैं ये देखने के लिए कि आखिर बाहर कौन है जो पागलों की तरह दरवाजे को पीटे जा रहा है। और नीचे आने के बाद जैसे ही गुल्ली दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा रहता है, जिसके साथ उसके और 3-4 दोस्त भी थे और वो सभी लोग काफ़ी डरे और सहमे लग रहे थे। और इससे पहले कि गुल्ली उन्हें कुछ सुना पाता, तभी एक आदमी बोलता है, आप प्लीज़ हमें अपने घर के अंदर आने दीजिए, दरअसल हमारे पीछे एक सनकी किलर पड़ा हुआ है और उसने हमारे 2 दोस्तों को पहले ही मार दिया है और अब वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो वो सीरियल किलर हमें भी मार डालेगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग हमें अपने घर के अंदर आने दीजिए। जिस पर बुल्ली बोलता है, नहीं गुल्ली, इन्हें घर के अंदर मत आने देना, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, ज़रूर इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे जिससे ये लोग होटल में एक रूम लेकर उसमें रह सके, इसीलिए ये लोग मुंह उठाकर हमारे पास आ गए ताकि हम लोग इन्हें फ्री में ही अपने घर में रहने दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास पैसे हैं और अगर आप चाहें तो आप ये पैसे रख कर हमें अपने घर में आज की रात काटने दीजिए, लेकिन प्लीज़ हमें घर के अंदर ले लीजिए, वरना वो सीरियल किलर यहाँ आता ही होगा। वो आदमी इतना बोलता ही है कि तभी अचानक से उसके एक दोस्त को कुल्हाड़ी लग जाती है, जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। ये देखकर गुल्ली बोलता है, तुम लोग जल्दी से घर के अंदर आओ, हमें जल्दी से दरवाज़ा बंद करना होगा। अरे बाप रे, ये तो माइकल मायर्स है, एक सनकी किलर जो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो जब तक वो उसे ख़त्म नहीं कर देता है तब तक वो चैन की सांस नहीं लेता है। और अब की बार ये इन लोगों के पीछे पड़ गया है तो अब इन लोगों का बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और एक आदमी को कुल्हाड़ी मारने के बाद माइकल उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि माइकल के वहाँ पहुँचने से पहले ही ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं और माइकल वहाँ खड़ा ये सब देखता ही रहता है। और अब उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो घर के अंदर कैसे जाए, उसे घर के अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि इन्हें मारे बिना वो चैन की सांस नहीं लेने वाला है। और यहाँ पर वो आदमी जिसका नाम लैंस होता है, उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है और उसके शरीर से ढेर सारा खून बह रहा होता है। उसके दोस्त उसकी ये हालत देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली भी इस बात के अफसोस में होते हैं कि अगर वो लोग इन पर भरोसा करके पहले इन्हें अंदर आने देते तो शायद इनके दोस्त के साथ ये सब नहीं होता। और फिर एक लड़की जिसका नाम सिंथिया होता है, वो बोलती है, इसके शरीर से तो ढेर सारा खून बह रहा है, हमें जल्दी से इसके बहते हुए खून को रोकना होगा वरना ये खून बहने के कारण मारा जाएगा। उसके बाद वो गुल्ली और बुल्ली की तरफ मुड़ती और बोलती है, क्या आप लोगों के पास फर्स्ट एड बॉक्स है? अगर है तो आप लोग उसे यहाँ पर लाइए, और अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो एक साफ कपड़ा लाइए, क्योंकि हमें अपने दोस्त के घाव को बांधना होगा वरना खून बहने के कारण ये मारा जाएगा। जिस पर बुल्ली बोलता है, हाँ हम लोगों के पास फर्स्ट एड बॉक्स है, हम ला रहे हैं। गुल्ली, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट एड बॉक्स लाने और तुम जाके बाकी सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दो, वरना वो खूनी घर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद गुल्ली बुल्ली दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पर माइकल सोच रहा होता है कि आखिर वो घर के अंदर कैसे आए, क्योंकि उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है तो वो दरवाज़ा ही पीटने लगता है।
और माइकल इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटता है कि लगता है अभी दरवाज़ा टूट जाएगा। और इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के पीटने की आवाज़ सुनकर इन तीनों का ही ध्यान दरवाजे के ऊपर चला जाता है। और जब ये लोग देखते हैं कि माइकल अब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि माइकल कुछ ही देर में ये दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आ जाएगा। उसके बाद एक आदमी जिसका नाम मैक्स रहता है वो बोलता है, अगर ये किलर ऐसे ही दरवाज़ा पीटता रहा तो ये दरवाज़ा ज़रूर टूट जाएगा, इसलिए हमें दरवाजे के सामने कुछ भारी चीज़ लगानी होगी जिससे ये किलर दरवाज़ा तोड़कर अंदर ना आए। तुम लोग लेंस का ध्यान रखो, तब तक मैं दरवाजे के सामने कुछ भारी चीज़ लगा कर आता हूँ। ये बोलकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बुल्ले को फर्स्ट एड बॉक्स आखिरकार मिल ही जाता है और फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर उन्हीं लोगों के पास जाने लगता है। यहाँ पर माइकल काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि माइकल के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है, वरना अगर तो उसके पास उसकी कुल्हाड़ी होती तो वो अपने कुल्हाड़ी से मार कर दरवाजे को तोड़ देता। लेकिन क्योंकि ये दरवाज़ा काफ़ी मजबूत है इसीलिए माइकल इस दरवाजे को तोड़ नहीं पाता है और उसे अब कुछ और तरीका निकालना होगा घर के अंदर जाने का। यहाँ पर गुल्ली घर के अंदर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है और अब वो एक आखिरी रूम में जाता है वहाँ की खिड़कियाँ बंद करने। अरे ये क्या, इससे पहले कि गुल्ली इस रूम की खिड़की बंद कर पाता अचानक से वहाँ पर माइकल आ जाता है, जिसे अचानक से देख कर गुल्ली नीचे गिर जाता है। आखिरकार माइकल घर के अंदर आ ही गया है और अब वो इस घर के अंदर खून की नदियां बहाएगा, क्योंकि उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है ताकि कोई अगर उसे घर के अंदर देख ले तो वो बचकर बाहर ना भाग पाए। घर के अंदर आने के बाद माइकल गुल्ली को ख़त्म करने के लिए उसी की तरफ बढ़ने लगता है और गुल्ली भी ये देख कर दुम दबा कर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी अचानक से माइकल कुछ सोच कर वहीं पर रुक जाता है। आखिर अब माइकल के दिमाग में क्या चल रहा है और अब ये इन लोगों के साथ क्या करने वाला है। अरे बाप रे, माइकल ने तो अपना मसेटी निकाल लिया है और अब माइकल इसी मसेटी से इन सभी लोगों को मारने वाला है और वो उस मसेटी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ मैक्स और बुल्ली ने मिलकर दरवाजों के सामने अलमारी रख दिया है ताकि माइकल घर के अंदर ना घुस पाए। उसके बाद बुल्ली बोलता है, अब क्योंकि हम लोगों ने दरवाजों के सामने अलमारी रख दी है तो इसलिए अब हम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब माइकल घर के अंदर नहीं आ पाएगा। तभी वहाँ पर गुल्ली आता है और वो बोलता है, बुल्ली हम लोगों को जल्दी से इस घर से बाहर निकलना होगा क्योंकि माइकल घर के अंदर आ गया है। और ये बात सुनकर नीचे सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने तो सोचा था कि माइकल अब घर के अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए उन लोगों ने घर से बाहर निकलने वाले सभी दरवाजों के सामने अलमारी रख दिया है और इसीलिए अब ये लोग घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। और अब इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये लोग अलमारी हटाकर घर से बाहर जाए, क्योंकि माइकल भी अब सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है, इसलिए अब इन लोगों को घर के अंदर ही कहीं छुपना होगा। और सभी लोग इधर उधर जाके छुपने लगते हैं। और क्योंकि लेंस कमजोरी के कारण सोया हुआ था और उसे उठाने तक का टाइम नहीं था, इसीलिए सैम ने उसे तकियों से ढक दिया है ताकि माइकल उसे देख ना पाए। और उसे तकियों से ढकने के बाद सैम भी जाकर छुप जाती है, लेकिन इसे बस एक बात का डर है कि अपने नींद में अगर लेंस जरा सा भी हिला और माइकल ने उसे देख लिया तो माइकल उसे मार डालेगा और फिर माइकल नीचे आ जाता है। और अब लुक्का छुपी का गेम शुरू होने वाला है जिसमें माइकल सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डालेगा। और फिर माइकल उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर सैम ने लेंस को छुपाया था। और अभी इस वक्त माइकल लेंस के ठीक सामने खड़ा है। और तभी फिर सोने पे सुहागा वहाँ की लाइट्स भी चली जाती है, जिससे यहाँ का माहौल और भी डरावना बन जाता है। और सैम वहाँ अलमारी के अंदर छुपकर सामने सब कुछ देख रही होती है। उसे बस ये डर रहता है कि कहीं माइकल लेंस को ढूंढ ना ले। पर काफ़ी देर तक जब माइकल को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है तो माइकल वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इस आवाज़ से माइकल को पता चल गया था कि यहाँ पर ज़रूर कोई छुपा है। और वो फिर से वहीं पर जाने लगता है।
और अब माइकल को पता चल गया है कि इस तकिए के अंदर कोई छुपा हुआ है, इसलिए माइकल अब इसे मारने वाला है। और फिर माइकल अपने मसेटी से एक के बाद एक लेंस के ऊपर हमला करते जाता है। और यहाँ अंदर छुपी सैम ये सब देख रही होती है और सामने का इतना डरावना माहौल देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि इसके पिछले दो दोस्तों को माइकल ने इस तरीके से नहीं मारा था, जिससे उसे पता चलता है कि माइकल एक एक करके सबको और भी दर्दनाक मौत देते जा रहा है। यहाँ पर गुल्ली मैक्स से पूछता है आखिर ये आदमी है कौन और ये हमारे जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जिस पर मैक्स बोलता है ये माइकल मायर्स है, एक सनकी किलर, जो अगर किसी इंसान को एक बार देख ले तो जब तक वो उसे मार नहीं डालता है तब तक वो चैन की सांस नहीं लेता है। और आज काफ़ी सालों बाद ये फिर से इस शहर में लौट आया है। मैंने भी इसके बारे में सुना है और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि ये इस शहर में वापस आ गया है तो अब इस शहर में खून की नदियाँ बहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इन लोगों की ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली काफ़ी हैरान हो जाते हैं और गुल्ली पूछता है पर आखिर इसे रोकने का तरीका क्या है, जिस पर सिंथिया बोलती है इसे रोकने का तरीका तो मुझे भी नहीं पता है, फिलहाल अभी के लिए तो हमें किसी तरह इससे बचना होगा। क्या आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है? हाँ मेरे पास फ़ोन है लेकिन वो ऊपर वाले रूम में है। अगर हमारे पास यहाँ पर फ़ोन रहता तो हम पुलिस को भी फ़ोन कर सकते थे, लेकिन अब ऊपर भला कौन जाएगा, माइकल नीचे ही खड़ा है और अगर वो हमें ऊपर जाते हुए देख लेगा तो वो हमें मार डालेगा। जिस पर गुल्ली बोलता है तुम लोग यहीं शांति से रुको, तब तक मैं ऊपर जाके पुलिस को फ़ोन करता हूँ ताकि पुलिस जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच सके। और ये बोलकर गुल्ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे ये काम काफ़ी सावधानी से करना होगा वरना अगर तो उसे माइकल ने देख लिया तो फिर वो उसके पीछे पड़ जाएगा। और यहाँ पर लेंस की मौत से सैम इतना घबरा जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर माइकल ने उसे देख लिया तो वो उसे भी इसी तरह मार डालेगा। लेकिन वहाँ से भागकर सैम ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर वो उसी अलमारी में रहती तो माइकल लेंस को मारने के बाद वहाँ से चला जाता, लेकिन क्योंकि अब माइकल ने सैम को भागते हुए देख लिया है तो वो भी अब उसका पीछा करने लगता है। और सैम माइकल से अपनी जान बचाकर भाग ही रही होती है कि तभी अचानक से माइकल उसके सामने आ जाता है और फिर माइकल अपना मसेटी सैम के पेट में घुसा देता है। Look what they did to you, Jason. Kill them. अपने हड़बड़ी के वजह से सैम माइकल का शिकार बन गई है और अब माइकल उसे काफी दर्दनाक मौत देने वाला है। और यहाँ पर गुल्ली को टिमी का फोन मिल जाता है, उसके बाद गुल्ली पुलिस को फोन लगा देता है। हेलो पुलिस स्टेशन, क्या बात है? हमारे घर में एक खूनी घुस आया है जिसने हमारे एक दोस्त को मार कर घायल कर दिया है और वो पूरे घर में हम लोगों को ढूंढ रहा है हम लोगों को मारने के लिए। आप जल्दी से हमारे पास आकर हमें बचा लीजिए वरना वो खूनी हमें मार डालेगा। उसके बाद गुल्ली उस पुलिस ऑफिसर को अपने घर का एड्रेस बताता है। क्या उस खूनी ने एक मास्क पहना है? हाँ उसने एक सफ़ेद रंग का मास्क पहना है। अच्छा तो वो क्रिमिनल तुम्हारे घर में है? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग घर से किसी तरह बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग घर के अंदर रहोगे तो उसके लिए तुम्हें मारना आसान होगा। पर हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम लोगों ने दरवाजे के सामने अलमारी रख दिया है ताकि वो खूनी घर के अंदर ना आ जाए, लेकिन वो खूनी किसी और रास्ते से घर के अंदर आ गया है और अब इसीलिए हम लोग घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप लोग उस खूनी से छुप कर रहिए। ये बात बोलकर वो पुलिस ऑफिसर फोन रख देता है। इस बार मैं इसे बचकर जाने नहीं दूंगा, आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। दोस्तों पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।